एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उनके माता पिता ने ऐसी शिक्षा दी कि आप किसी से झगड़े मत करना, आप हमेशा शांत रहना, और वह बच्चा बचपन से यही चीजें फॉलो करता आया। और उसे लोग कुछ भी बोलते लेकिन वह किसी को कोई जवाब उल्टा देता ही नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता ने उन्हें समझाया था कि हमेशा शांत रहना, लोगों की बातें सुनना। और लोग उसे बार बार मजबूर करते थे कुछ बोलने के लिए, लेकिन वह हमेशा सुनता था और मुस्कुरा के हुए चल जाता था। लोग उसे काफ़ी ज़्यादा पागल समझने लग गए कि इसके अंदर कोई क्वालिटी है नहीं, ये किसी को बोल ही नहीं सकता, ये साला गूंगा है। और लोग उसे मारते भी थे, कभी कभी झगड़ते भी थे, लेकिन वह किसी को कोई जवाब देता ही नहीं था। ऐसे ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया और वह अपना गांव छोड़कर एक बड़े शहर में चला गया। उस बड़े शहर में कई किस्म के लोग थे, जो कुछ अच्छे थे और कुछ बुरे थे। उसकी संगत कुछ बुरे लोगों के बीच में पड़ गई, जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। कुछ लोग ऐसे दोस्त थे जो काफ़ी नशेड़ी थे, कुछ लोग ऐसे थे उसे बर्बाद करना चाहते थे, और वह हमेशा शांत रहता था। और कुछ लोग थे कि उसे हमेशा बुरा भला कहते थे, वह बार बार सुनता और किसी को कोई जवाब नहीं देता था। धीरे धीरे सब लोग उसे और मारने लगे और उसे पीटने लगे। धीरे धीरे वह सब देखता रहा और उसका सर पानी से ऊपर चल गया, मतलब उसे बर्दाश्त करने की क्षमता धीरे धीरे उसके शरीर से कम हो रही थी। वह परेशान होने लगा कि ऐसे में शांत रहा तो लोग मुझे ऐसे ही घुसपैठों की तरह मुझे मारते रहेंगे और वो लोग बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ। लेकिन उसका एक शिक्षा था जो उसके माता पिता ने दिए थे कि कभी किसी से झगड़ा मत करना, हमेशा शांत रहना, किसी को कुछ बोलना मत, जिसकी वजह से वह लड़का किसी से कुछ बोलता ही नहीं था, और जिसकी वजह से वह हमेशा शांत ही रहता था। और जो लोग थे उसे हमेशा मारते झगड़ते, कुछ भी कहना चाहते थे वह कह देते थे। एक बार वह लड़का रास्ते से जा रहा होता, वहाँ पर एक संत बैठे होते हैं, वह भी शांत मौन में। उन्हें देखकर वह लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वह भी शांत रहता पसंद करता था और वह संत भी शांत रहना पसंद करते थे। तब जाकर वह लड़का उस संत के बगल में बैठ गए और वह बोला, हे संत, आप हमेशा शांत में क्यों हो, क्या बात है? तो वह संत बोले, शांत रहने की कला सबके अंदर होती नहीं है, क्या आप भी शांत रहते हो? उसने कहा, हाँ, मैं इतना शांत रहता हूँ, जो लोग मुझे बुरा भला कहते हैं मैं सब सुन लेता हूँ और मैं कुछ किसी को बोलता नहीं हूँ। तो वह संत बोलते हैं, शांत रहने के भी कई तरीके होते हैं, आप शांत किस जगह पर रहना है या किस जगह पर नहीं, ये आपको जानकारी होनी ही चाहिए। वह बालक बोला, हे संत, आप कहना क्या चाहते हो? तो वह संत बोले, जो आप इतने दिनों से शांत होते आए हो, लोग जो तुमको बुरा भुला कह रहे हैं, वो आपका शांत रहने का सिर्फ फायदा उठा रहे हैं। ऐसे आप धीरे धीरे अगर शांत ही रहते रहोगे तो तुम्हें लोग मारेंगे, पीटेंगे, कोसेंगे, लेकिन अगर एक बार सिर्फ आप धाड़ दो तो कोई तुम्हें बुरा भला कहने वाला नहीं होगा। मतलब समय के हिसाब से बदलना सीखो। जब लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं तो आप एक बार दो बार इग्नोर कर दो, लेकिन अगर वही लोग बार बार आपको बुरा भला कह रहे हैं तो एक बार सीना चौड़ा खड़ा होकर उन्हें उसकी सबक सिखाओ कि आप हमें कमज़ोर समझ रहे हो, लेकिन मैं कमज़ोर हूँ नहीं। और जितने कमज़ोर रहोगे उतने आपको काटा जाएगा। जिस तरह से आधी में जो पेड़ होता है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेट होता है, वह अगर झुकता नहीं है तो उसे तोड़ देता है वो आधी, लेकिन जो झुकता है उसे वह छोड़ देता है। आप समझ रहे हो ना, समय समय पर आपको झुकना कब है और खड़ा कब होना है, यह जरूरी होना चाहिए और सीख आपको होनी ही चाहिए। वह लड़का समझ गया कि हे संत, आप जो कहना चाहते हो मैं समझ रहा हूँ। तब वह वहाँ से चला गया और कुछ दोस्त उसे फिर बुरा भला कहने लगे। तो वह बोला, लड़का, जब से तुम लोग मुझे बुरा भला कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, सब चीज़ सुन रहा हूँ, लेकिन मैं चुप रहता हूँ। जानते हो क्योंकि तुम लोग को खुशी मिलती है मुझे बोलने से और मुझे खुशी मिलती है शांत होने से। अगर मैं वहीं पर तुम्हें भी बार बार कोसता, जवाब देता, तो तुम वास्तव मुझे कोसते नहीं बार बार। और तुम लोगों को सीख होनी चाहिए कि जो शांत है और कुछ किसी को कहता नहीं है तो उसे भी कुछ कहना नहीं चाहिए, हमेशा शांत रहना चाहिए। तो हे मित्र,
मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, किसी की मजबूरी या किसी को शांत देखकर उसके ऊपर हमेशा बार बार उंगली नहीं उठाया करते। अगर उठाते रहोगे दोस्त, तो एक दिन वही आपको कभी भी जवाब दे सकता है। क्योंकि कभी कभी जब बार बार आप पत्थर को घिसोगे, तो एक नए दिन पत्थर तो टूटेगा ही। तो उस तरह से इंसान का भी दिल एक बार टूट जाता है, और जब टूटता है तो कितनों को ले डूबता है। तो दोस्त, इस कहानी से आपको यह सीख मिलती है, अगर कोई इंसान आपको बुरा भला कहता है, तो आप उसे समझाओ, उसे सुधारने की कोशिश करो, उसे जवाब मत दो। जब वह ना सुधरे तो उसे बताओ कि जिसे तुम बोल रहे हो वह कमज़ोर नहीं हूँ, मैं भी जवाब दे सकता हूँ। तो धीरे धीरे वह खुद ही सुधरने लगेगा। तो आपको खुद पता होना चाहिए शांत कहाँ रहे और अशांत कहाँ रहे। अगर ज़्यादा चुप ही रहोगे तो आप मारे जाओगे। इस कलयुग के घेरे में जितने भी लोग शांत स्वभाव के हैं, अक्सर वही लोग इस कलयुग में मारे जाते हैं। और जो लोग तीखे हैं और चिड़चिड़ा ज़्यादा बोलते हैं, वह लोग सबसे आगे रहते हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि अगर आप ज़्यादा शांत हैं, आप लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों की मार खाते हैं, कुछ बोलते नहीं हो, तो वास्तव में दोस्त एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपको गायब कर देंगे। लेकिन अगर आप वहीं पर अपनी पावर दिखाकर लोगों के सामने खड़ा हो जाते हैं, आप भले ही अंदर से खोखला हो, लेकिन दिखावटे में आप सबके सामने हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अपने सीना चौड़ा करके सामने खड़े रहो, तब जाकर लोग डरेंगे। लेकिन अगर आप वहीं पर निराश होते हो, हमेशा रोते हो, लोगों के पास जाकर शांत रहते हो, तो लोग आपसे सिर्फ मज़े ही लेंगे, क्योंकि उन्हें इसी में मज़ा आता है। तो इसलिए अपने मजबूरियों को अपने दिल में रो, ना कि अपने चेहरे पर लेकर घूमो। तो दोस्त, मैं वीडियो को बनाने का ही उद्देश्य था कि आप समय के हिसाब से बदल जाओ। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्त लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और तब तक लिए दोस्त, टाटा बाय बाय, ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।